अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी सूची का ऐलान कर दिया है और 56 नामों की घोषणा की गई है। गंगानगर से अंकुर मंगलानी को टिकट दिया गया है। रायसिंह नगर जो कि एससी रिजर्व सीट है, वहां सोहन लाल नायक पर दाव कांग्रेस पार्टी ने खेला है। अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल से विनोद गोठवाल पर दाव खेला है। बीकानेर ईस्ट से यशपाल गहलोत को कंटिन्यू किया है। यशपाल गहलोत पर फिर एक बार कांग्रेस ने दाव खेला है। लून करमसन से और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अपनी पांचवी लिस्ट भी जारी कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, इससे पहले चौथी लिस्ट का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया था और अब पांच और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। सहयोगी लखवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कौन कौन से पांच नाम? ये देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पांचवी सूची का ऐलान भी कर दिया है और पांचवी सूची में पांच सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने किया है, जिसमें अगर हम बात करें तो फुलेरा से विद्याधर चौधरी को टिकट मिला है। विद्याधर चौधरी वो नाम जिसको लेकर लगातार विरोध हो रहा था राष्ट्रीय राजधानी में। साफ तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछला चार चुनाव ये परिवार वहां से हार रहा है, इसलिए टिकट वितरण इनको नहीं मिले, टिकट बदला जाए, किसी स्थानीय को टिकट दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विद्याधर चौधरी पर दाव खेला। वहीं जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, रूपाराम धनदेव को टिकट दे दिया कांग्रेस ने। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि मानवेंद्र सिंह को यहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन चौथी सूची में जो कि कुछ घंटे पहले जारी हुई है उसमें मानवेंद्र सिंह को सिवाना भेज दिया गया। ऐसे में जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल को टिकट दिया गया है। पोकरण से सालेह मोहम्मद, मंत्री सालेह मोहम्मद का टिकट रिपीट किया गया है, उन्हें पोकरण से टिकट दी गई है। वहीं आसींद की अगर बात की जाए तो आसींद से हंगामी लाल मेवाड़ा को टिकट दी गई है और जहाजपुर से धीरज गुर्जर को टिकट दी है। प्रियंका गांधी का वीटो काम हुआ है ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि धीरज गुर्जर को आसींद भेजने की चर्चाएं थी, लेकिन प्रियंका गांधी का वीटो था जहाजपुर को लेकर और जहाजपुर पर धीरज गुर्जर को फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है। पिछला चुनाव भी वे गोपीचंद मीणा के सामने लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस ने फिर एक बार कांग्रेस के सचिव और वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर को जाधपुर से प्रत्याशी बनाया। वहीं फुलेरा से विद्याधर चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछला चुनाव भी कांग्रेस के सिंबल से विद्याधर चौधरी फुलेरा से लड़े थे। जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल पर दाव खेला गया है। वहीं पोकरण की अगर बात की जाए तो पोकरण से सालेह मोहम्मद चुनावी मैदान में है और इनका मुकाबला होगा महंत प्रताप पुरी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं। पिछला चुनाव भी इन दोनों के बीच ही हुआ था जैसलमेर से, हालांकि प्रताप पुरी को महज कुछ सौ वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और सालेह मोहम्मद चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार का चुनाव पोकरण में काफी रोचक होने वाला है। वहीं आसींद की अगर बात की जाए तो हंगमी लाल मेवाड़ा को टिकट दिया गया है, तो हंगामी लाल मेवाड़ा को टिकट। तो लगातार हम वो नाम बता रहे हैं दर्शकों को, वो पांच उम्मीदवारों के नाम जिनका हाल ही में तुरंत कांग्रेस ने ऐलान किया, ये पांचवी लिस्ट। लेकिन बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ी छोटी छोटी लिस्ट जारी कर रही है कांग्रेस, लेकिन फिलहाल अगर उम्मीदवारों के घोषणा की बात करें तो अब कांग्रेस ने बाजी मार ली है। अब महज 44 नाम ऐसे हैं जिनका ऐलान बाकी है। ये जो पांच उम्मीदवार उतारे गए हैं उन्हें लेकर अभी क्या स्टडी किया आपने, क्या एनालिसिस?
जी देखिए, फुलेरा सीट पर पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी लगातार हार रही है। पिछला चुनाव विद्याधर चौधरी मुश्किल से 1000 वोटों से हारे थे। निर्मल कुमार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, बीजेपी की सीट है ये एक तरह से, और विद्याधर चौधरी के ऊपर बड़ी मुश्किल से इस बार पार्टी ने एतबार जताया, क्योंकि कई नेता कतार में थे, आखिर तक विरोध होता रहा, लेकिन मामूली अंतर से चुनाव हारे थे, इसलिए पार्टी ने इनको कंसीडर किया है। बहुत मेहनत करी थी वहां पर, जितने भी प्रधानों के और जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे उनमें सब जगह कांग्रेस का इन्होंने परचम लहराया था, इसलिए पार्टी ने टिकट दिया। सचिन पायलट के समर्थक माने जाते हैं और ये जो टिकट है ये पायलट के खेमे को ही जाता है एक तरह से। जैसलमेर में रूपाराम मेघवाल फिर से टिकट ले आए हैं। साले मोहम्मद और रूपाराम मेघवाल की अदावत चल रही थी और रूपाराम मेघवाल की जगह साले मोहम्मद चाह रहे थे कि यहाँ से मानवेंद्र सिंह चुनाव लड़े। मानवेंद्र सिंह वहाँ पर तैयारी भी कर रहे थे और अब आखिर में जब शिवाना का टिकट हो गया मानवेंद्र का, तब रूपाराम मेघवाल को वापस यहीं से मैदान पर उतार दिया गया है। साले मोहम्मद फिर से चुनाव मैदान में होंगे और मुकाबला पिछली बार की तरह प्रतापपुरी से होगा, जो कि एक तरह से पश्चिमी राजस्थान में, यानी कि सैफरन पार्टी जो है वो हिंदू कार्ड यहाँ पर खेलेगी। प्रतापपुरी जो है तारा तारा पीठ के जो महंत हैं वो यहाँ पर सक्रिय रहे हैं। इस सीट पर निगाह टिकी हुई थी एक दौर में गजेंद्र सिंह शेखावत की भी, और प्रतापपुरी की और गजेंद्र सिंह शेखावत के रिश्ते भी कोई सामान्य नहीं थे, लेकिन अब जब फिर से टिकट आ गया साले मोहम्मद का तो वहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा अच्छा खासा। आसिंध में हंगामी लाल मेवाड़ा पूर्व में विधायक रह चुके हैं, इनके पुत्र मनीष मेवाड़ा पिछला चुनाव लड़े थे, इस बार हंगामी लाल मेवाड़ा टिकट लाने में कामयाब हो गए हैं। रामलाल जाट जो कि सरकार में मंत्री हैं उनके ये सहयोगी एक तरह से, और यहाँ पर बीजेपी का जो टिकट आया है जब्बर सिंह सांखला जो वर्तमान में विधायक हैं उनको लेकर बीजेपी में जंग छिड़ी हुई है, तो हंगामी लाल मेवाड़ा को लगा कि ऐसे दौर में वो चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि बीजेपी का बागी मैदान में आएगा और ऐसे में इस माहौल का वो फायदा उठा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। और धीरज गुर्जर चर्चा चल रही थी कि वो आसिन जा रहे हैं लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं बदला और जहाजपुर में गोपीचंद मीणा के सामने उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो 151 अब तक आई थी, 5 और जुड़ गई, 156 सीटें हो गई है। कांग्रेस लीड लेती हुई टिकटों के बंटवारे में, बीजेपी को अब टिकट जो है ना जल्दी बांटने पड़ेंगे, प्रेशर है। लेकिन इस लिस्ट में भी शांति धारीवाल का नाम नहीं है, इसके अलावा महेश जोशी का नाम नहीं है, और भी जयपुर ग्रामीण की जो सीटें उनका नाम नहीं है, शाहपुर अटका हुआ है, दूसरे और जो आमेर है वो अटकी हुई है, झोटवाड़ा सीट अटकी हुई है, जोधपुर के टिकट नहीं आए हैं, बाड़मेर के टिकट नहीं आए हैं, अभी तो बहुत कुछ, हाड़ौती की भी बहुत सारी टिकटें बाकी हैं, तो अभी तो शुरुआत हुई है जोखिम लेने की कि नहीं अब तो बांटने पड़ेंगे। जब वक्त गुजर रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तैयारियां प्रभावित हो रही हैं, चुनावी मैदान में जाना है नेताओं को, तो अब एक एक करके जो है टेस्ट किया जा रहा है कि कितना विद्रोह होता है, कितनी बगावत होती है, और उसको कितने अगले दो दो चार दिन है उनमें किस तरह से थाम सकते हैं, क्योंकि जैसे टिकट आया महादेव सिंह खंडेला का तो बगावत का ऐलान कर दिया है। अभी अभी जो खबरें आई हैं कि सुभाष मील जो है वो जल्द नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, दिलीप चौधरी हैं पूर्व के विधायक, उनको टिकट नहीं मिला जैतारण में तो उन्होंने भी बगावत का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे नाम सुबह तक कल तक जैसे जैसे आते जाएंगे बागियों की तादाद भी बढ़ती जाएगी, और किस तरह से आप जो डिसिडेंट्स हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं पार्टी में उनको मनाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अब डैमेज कंट्रोल का काम जो शुरू हुआ एक तरह से और नुकसान भी जो है अब शुरू हुआ पार्टी में, लेकिन अभी भी बहुत सारे नाम हैं चर्चित चेहरे जो अब भी टिकट की बाढ़ जो रहे हैं, उनके समर्थकों को नींद नहीं आ रही कि एक के बाद एक लिस्ट आ रही है लेकिन हमारे नेताजी का नाम क्यों नहीं आ रहा है, तो बेचैनी भी बढ़ रही है, इसके साथ में तनाव भी बढ़ रहा है नेता